हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, तुनिशा शर्मा केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां एक तरफ फैमिली वाले तुनिशा के लास्ट राइट्स पूरे कर रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड ने शिजान मोहम्मद खान के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 24 दिसंबर को जब तुनिशा शर्मा ने मेकअप रूम में शिजान के मेकअप रूम में अपनी जान दी, तो उसके बाद से ही मां ने लगाए थे को एक्टर शिजान मोहम्मद खान के ऊपर आरोप, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया था। और अभी जहां एक तरफ शिजान की बहनें ये लगातार बयान दे रही थी कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है, वो एक बेगुनाह है और उन्हें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि उनके भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा, तो वहीं हाल ही में रैया लबीब, जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री की जाने वाली एक्ट्रेस रैया लबीब ने शिजान मोहम्मद खान के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें ही तुनिशा की मौत का असली जिम्मेदार बताया है। रैया लबीब कहती हैं कि शिजान मोहम्मद खान सच में एक बहुत ही गलत नियत के व्यक्ति हैं। वो एक साथ 6 से 7 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ना जानते हैं। वो पूरे तरीके से इस बात से सहमत है कि जिस तरह से तुनिशा शर्मा की मॉम ने शिजान के ऊपर आरोप लगाए हैं वो सच हो सकते हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि शिजान एक कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं और उनका फिजिकल रिलेशनशिप भी कई सारी लड़कियों के साथ था और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लड़की यूज एंड थ्रो है। इस तरह से कई अजीब बातें और कई सारी संगीन आरोप लगाए उन्होंने शिजान मोहम्मद खान के ऊपर, जिसके बाद से ही शिजान के ऊपर शिकंजा मुंबई पुलिस का ज्यादा तगड़ा हो गया है और लगातार फैंस शिजान को तुनिशा की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। इस केस के ऊपर रैया लबीब के स्टेटमेंट ने अलग ही रोशनी डाली है और केस को अलग तरीके से मोड़ दिया है। अब सिर्फ इस बात का इंतजार है कि शिजान इस बारे में क्या कहते हैं या उनके घर वाले अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इन सभी बातों पर कब जारी करते हैं। शिजान सच में इस बात के लिए गुनहगार है या सच में तुनिशा की मौत का जिम्मेदार शिजान को ठहराया जा सकता है या फिर नहीं, या शिजान को लगातार फंसाया जा रहा है, या फिर वो सच में इसी तरीके के ढीले करेक्टर के इंसान थे, ये तभी पता चलेगा जब पुलिस की जांच पड़ताल पूरी होगी। तब तक के लिए आप अपने व्यूज हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।